दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो वास्कोट होता है नेपेल वाला, उसका मैं कटिंग बताऊंगा। तो 40 चेस्ट हो गया, कमर 36, लंबाई 27, शोल्डर 17, गला 16.5। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको और उसके बाद में बैक कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पहले यहाँ से एक इंची का मार्क लगा लेना है सामने की तरफ, और उससे ये नेपेल वाला आप नेहरू जैकेट बोल लें या मोदी जैकेट बोल लें या सेतरी बोल लें, ये सब चीज। तो दोस्तों, ये 40 है चेस्ट, तो 40 का यहाँ पे 10 इंची लगाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे हाफ इंची काम करते हैं, तो इसमें हाफ इंची काम नहीं करेंगे, आपको मैं पूरा इसका हिसाब बताऊंगा। और इसका जो कमर का सेंटर है वो 17.5 इंची का है, तो 17.5 इंची पे लगा देंगे। और दोस्तों, इसका लंबाई है 27 इंची, तो यहाँ से हाफ इंची प्लस करके ये 27.5 इंची के ऊपर लगाएंगे, और प्लस 1.5 इंची मार्जिन देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको 2 इंची 2.5 इंची मार्जिन रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंची रखता हूं, तो इसलिए आपको 1.5 इंची करके बता रहा हूं। और यहां से इसका गला 2 इंची डाउन कर दीजिए, ठीक है। शोल्डर का ये 2 इंची डाउन हो गया, इसका सेम टू सेम मार्क लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा, और ऐसा वीडियो शायद मैं पहले कभी नहीं बनाया हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए आप देखें और वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करें। और इस तरीके से ये आपका घेरा हो गया। अब दोस्तों, आपको जो है ना, पहले फ्रंट का मैं बताऊंगा, फिर साइड का बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले गाला का मार्क लगाना है। तो गाला इसका 16.5 इंची है, तो 16.5 इंची को हमने क्या करेंगे, पहले 3 भाग में करेंगे। पांचवा भाग करते हैं तो हम 3 इंची इसका निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने 3 इंची निकाला, ठीक है, और प्लस 1.25 इंची ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों। 1.25 इंची ऐड करके मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में 1.25 इंची ऐड करके मार्क लगाने के बाद में आपने क्या करना है, ये जो मार्क लगाएंगे और यहाँ से अपने 1.5 इंची एक आगे की तरफ मार्क लगाना है। दोस्तों, आप मुकम्मल देखेंगे फिर आपको मालूम होगा, नहीं तो ऐसे मालूम नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ से ये 10 चौको 40 इंची है, ठीक है। 10 चौको 40 इंची, तो 1 इंची कम करके मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट में इसका सामना काट रहा हूँ, अगर हो सके तो आप अगर इसका बैक काट रहे हैं तो बैक भी आप काट करके फिर सामना भी काट सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, आपको सामने में 2 बटन है, तो इसका लंबाई है 27 इंची, ठीक है। तो 9 तिरका 27, तीसरा भाग लेते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 8.5 इंची के ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका 3.5 इंची का बटन का गैप देंगे, और 1.5 इंची नेपेल का। और यहाँ से ये जो सेंटर का मार्क लगाए दोस्तों, ये जो बीच का, यहाँ पे आपको फुल स्ट्रेट का मार्क लगाना है इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको लेडीज जेंट्स में कटिंग सीखना है तो आपको मेरे चैनल के ऊपर पूरा मिल जाएगा, लेडीज और जेंट्स, तो आप वहां से कटिंग और स्टिचिंग दोनों देख सकते हैं। और यहाँ से इस तरह मार्क लगाएंगे, और दोस्तों यहाँ से 3 इंची, ठीक है, और यहाँ से डाउन करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से डाउन करके इस तरह मार्क लगाएंगे और ये गोलाई कर देंगे। अब दोस्तों, अगर आपको चाहे यहाँ से गोलाई करेंगे या स्ट्रेट करेंगे, वो अपना हिसाब रखिएगा। और उसके बाद में दोस्तों, यहाँ से 2.5 इंची नेपेल रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में ये मार्क जो है इस तरह लगा देंगे। आपको सेम टू सेम सामना का कटिंग जो होता है, सेम टू सेम ऐसा ही ये सामना का कटिंग होगा, ठीक है।
क्योंकि आपको ये भी ये कोट बोलते हैं, जो हाफ कोट बोलते हैं, ठीक है, बटन का हो गया। और यहां से दोस्तों आपने 1.5 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है और इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, यहां से 9 इंची के ऊपर एक मार्क लगाना है और ये मार्क 9 इंची के ऊपर लगा करके ये क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये सामने की तरफ। और इस तरीके से ये लगभग एक लाइन को हम 1 इंची या 2 लाइन को हम 1 इंची लगाते हैं। और यहाँ से जो तख्ती का मार्क लगाए दोस्तों, यहाँ से 1.25 इंची मार्क लगाएंगे और उसके बाद में 4 इंची, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको क्या करना है, ये पॉकेट का मार्क लगाना है, तो यहां से 8.5 इंची और ये 8.5 इंची। और आपको दोस्तों इसका पॉकेट ये सामने से देखिए कितना के ऊपर लगा है, 4.25 इंची के ऊपर। तो यहां से इसमें 1 इंची प्लस करके लगाएंगे और ये भी इसमें दोस्तों आपको डांट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डांट वाला बनाना चाहते हैं तो डांट वाला भी बना सकते हैं। और अगर आपको खाली इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि मेरा सेदरी के जैसा हो और डांट ना हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसका लूजिंग किस तरह नापते हैं, ठीक है, इसका लूजिंग आप कैसे देंगे, ठीक है। तो आपको पहले इसका चौथा भाग करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट में हम मार्क लगाते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट का मार्क लगाने का यहां से 10 इंची हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमने लूजिंग देना है 5 इंची, ठीक है, तो यहाँ से 2.5 इंची दे दिए, ठीक है। अब ये 5 इंची हो गया प्लस 1/2 इंची दबाव चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये नॉर्मल फिट है, ठीक है, अगर आपको स्लिम फिट रखना है, ठीक है, स्लिम फिट रखना है तो यहाँ से 2 इंची लूजिंग दीजिए, ठीक है, और प्लस 1/2 इंची दबाव दीजिए, ठीक है। मैं दोनों आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप बोलेंगे इसमें लूज ज्यादा हो जाएगा, तो ये नॉर्मल फिट है, नॉर्मल फिट में आप 2.5 इंची यानी 5 इंची लूजिंग देते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्लिम फिट रखना है तो 2 इंची लूजिंग दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां से ये 9 इंची सामना रख दिया। अब दोस्तों यहां से सामना का 9 9 चौको 36 इंची हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमने 4 इंची रखना है, ठीक है, कितना, 4 इंची और इसमें 5 इंची, ठीक है दोस्तों। अब ये होने के बाद में यहाँ से 2 इंची रख दिए प्लस 1/2 इंची दबाव दे दिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहां से अपने ये रखना है हिप का 13.5 है, तो यहाँ से 13.5 इंची रख देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो बहुत अंदर की तरफ हो गया क्योंकि ये आपको शेप कितना आ गया, शेप आ गया आपको 1.5 इंची, ठीक है, तो हमको 1 इंची शेप देना है। तो यहां से ये कम करेंगे, ये सामना जो है सामना में बढ़ाएंगे 1/2 इंची और बैक में कम करेंगे, ठीक है, बैक का ज्यादा मार्जिन निकालेंगे, ठीक है। तो ये पॉकेट 7 इंची ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से 6.25 इंची रख देंगे क्योंकि छाती छोटा है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरीके से मार्क लगाना है, ठीक हो गया, और उसके बाद में इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से यहाँ पे शेप देते तो ये बहुत अंदर हो जाता और हिप में बहुत फेंक आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से इसका मार्जिन आप जितना चाहे ऐसे दे सकते हैं, 1 इंची दे, 2 इंची दे, जितना चाहे दे सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मार्क लगा देना है और यहां से भी क्रॉस कर, ये दोस्तों 1 इंची
अगर आप रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से, अब दोस्तों काफी सारे लोगों को ये भी मुश्किल होता है कि मैं शोल्डर अगर सामना काट रहा हूँ तो सामना में मैं शोल्डर किस हिसाब से रखूंगा, मेरा शोल्डर का तो फिक्स नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ से आप 1.5 इंची रखें, ठीक है। यहाँ से आप जितना भी बड़ा साइज आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, जितना भी बड़ा साइज आ रहा है या छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, आप ये जो लाइन लगाए हैं तख्ती का, आपने यहाँ से 1.5 इंची रखना है, ठीक है। देख सकते हैं कि 1.5 इंची रखना है, और 1.5 इंची रखने के बाद में ये मार्क इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। ये आपका सामना हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इस तरीके से ठीक है दोस्तों, मेरा राउंड जो है कितना आ रहा है, मेरा राउंड पूरा ये 11 इंची तैयार है, ठीक है। तो ये सामना हो गया। आप चाहे तो यहां से, आपको दोनों मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको जो है ना कोई मुश्किल ना हो, यहां से डांट दे सकते हैं, ठीक हो गया। और आप पॉकेट दूसरा भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बनाया हूँ वीडियो, ये दूसरा वॉलेट पॉकेट ये डांट नहीं है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दिया हूँ कि इस तरह भी होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कट इन करना है, तो इसको आपको नेपल के ऊपर मार्जिन रखना है 1/4 इंची, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको लिए मैं बहुत ही आसान आसान तरीके से वीडियो बनाया हूँ, और आपको मेरे चैनल के ऊपर लेडीज कोट, लॉन्ग कोट, कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिल जाएगा, और पार्ट पार्ट करके मिल जाएगा। तो आप सब कमेंट करके बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोगों को और भी नए नए कोई चीज सीखना है तो आप सब कमेंट करेंगे तो मैं आपको आसान आसान तरीका बताऊंगा। ये हो गया। अब इधर आपको मारिक के ऊपर ही कटिंग करना है। आप इधर चाहे तो आप ज्यादा मार्जिन दे सकते हैं, 1.5 इंची 2 इंची जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सामना हो गया, और ये नेपेल वाला हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। और ये मेरा जो नेहरू जैकेट है वो जैकेट हो गया। आपको मैं बता दूं कि इतना आसान तरीका अभी तक कोई नहीं बताया होगा, जितना आसान तरीका मैं बताया हूँ, जो सामने 2 बटन हो, ब्रेस हो, और इसका जो राउंड आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका बैक भी मैं आपको जल्दी में बता दूं। आपको ये सामना जो है बैक के ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। और ये रखने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से 1.5 इंची मारिक लगाना है, ठीक है, और यहां से भी 1.5 इंची मारिक लगाना है, और ये अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो चेस्ट का मारिक है आपको सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। आपको ये मारिक पहले यहां से नापना है और फिर यहां से भी नाप करके ये मारिक लगा देना है, ठीक है, और 1.5 इंची मार्जिन दे देना है, ठीक है। और यहां से 2 इंची मारिक लगाना है, ये हो गया। अब आपको ये सेम मारिक जो है उठा लेना है, ठीक है, इस तरीके से, सेम टू सेम मारिक उठा लेना है। अब दोस्तों आपको यहां से 1 इंची
अंदर की तरफ मार्क लगाना है और यहां से इस तरह से क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको पहले इसका शोल्डर का मार्क लगाना है। शोल्डर का मार्क है 17 इंची, तो यहां से 8.5 इंची हुआ प्लस 1/2 इंची ज्यादा, ठीक है। अब दोस्तों ये 40 इंची है, तो ये 10 चौक 40 इंची हुआ प्लस 1 इंची ज्यादा देंगे। अब दोस्तों ये 36 इंची है, तो ये 9 चौक 36 इंची हुआ प्लस इसमें 1/2 इंची देंगे, क्योंकि 1/2 इंची में सामना में इसका बढ़ाया हुआ था, आप सामने यहां से 1/2 इंची ज्यादा किया हुआ था, तो यहाँ पर 1/2 इंची कम देंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो चेस्ट का मारिक है तो सेम टू सेम नीचे रख देंगे और 1.5 इंची इसका साइड चाक का देंगे। अब दोस्तों आपको इस तरीके से मारिक लगा देना है और यहां से भी उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, इसका शोल्डर जो है, क्योंकि शोल्डर आपको ज्वाइंट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का भी नाप लेना है। शोल्डर का नापने के बाद में ये 1/4 इंची 1/2 इंची इस तरीके से शेप करते हैं, क्योंकि ये टूटेगा तो यहाँ पे ज्यादा अगर सीधा रखेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको बैक कटना है और इस तरीके से देखिए ये मेरा टूटेगा इस तरीके से, मेरा पूरा है। तो पूरा मैं आपको क्लियर ही बता देता हूं दोस्तों, कि आपको कोई ऐसा कंफ्यूज ना हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल को बनाया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिले। तो आप ये नेपेल वाला जो सेदरी बोलते हैं या नेहरू जैकेट बोलते हैं, आप ये नेपेल वाला हो गया, ये बैक हो गया, ठीक है।